नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा एवं आरती। समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। उस समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भतीजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन उस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से कन्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कन्हा होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस बालक को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात अन्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कन्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तू अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती भगवान से कहा, स्वामी
मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अव्यस्त दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महर में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से, शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजि चारि चतुरि भुजि दशि भुजि अति सोहे, स्वामी दशि भुजि अति सोहे, त्रिगुणि रूपिणि रखिते तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छि माला बनि माला मुंडि माला धारी, स्वामी मुंडि माला धारी तिरुपुरारि कंसारी करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनिकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करिके माधिक मंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखिहारी जगे पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, स्वामी जानति अविवेका, मधु कैटभि दो मारे
सुरे भाया ही ने करे। ओम जय शिवा ओम कारा लक्ष्मी वा सावित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अर्धंगी सिबिला हरि गंगा। ओम जय शिवा ओम कारा पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा स्वामी शंकर कैलासा भांग धतूर का भोजन भस्मी में बसा। ओम जय शिवा ओम कारा जटा में गंगा बहती है गले मुंडन माला स्वामी गले मुंडन माला शेष नाग लिपटावती ओढ़ती मृग छाला। ओम जय शिवा ओम कारा काशी में विराजे विश्वनाथी नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नीति उठी दर्शन पावती महिमा अति भारी। ओम जय शिवा ओम कारा त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवा ओम कारा प्रभु हर शिवा ओम कारा शिव जी की जय माता पार्वती की जय।